अच्छी तरह वजू
पर ही बोलता था उसकी मंजिल का इलाज फरमा देगा। तो भाई निकाल कितनी फसीलतें हैं मस्जिद को आने की, इतनी फसीलतों को ये एक एक नेकी हश्र के दिन मालूम पड़ेगी कि एक नेकी का मुकाम क्या है। तो किसी भी एक नेकी को छोटा समझना नहीं चाहिए और किसी भी गुनाह को छोटा समझना नहीं चाहिए, हर नेकी को करना। अब देखिए अल्लाह का फजल, अल्लाह की अता, अल्लाह की तौफीक आपको हुई कि आपने अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर नमाज़े फजर के लिए हाजिर हो गए। और जब आप जाएंगे तो मग़फ़िरत का ऐलान हो चुका होगा। अल्लाह करे हमारे दीगर हजरात को भी अल्लाह तौफीक अता करे, वरना नहीं ऐसे लोग हैं जो अज़ाने होते हैं कानों तक पहुंचते हैं लेकिन सुनते हैं फिर सो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बाजारों में घूमते रहते हैं, मस्जिद के पास करीब में रहते हैं, अजानों की आवाजें सुनते हैं लेकिन वो आते नहीं, इसलिए कि वो शैतान के चार में इतना फंसते चले जा रहे हैं, इतना फंसते चले जा रहे हैं कि कल के दिन मालूम होगा कि इसका नुकसान क्या। आजानें हो रही हैं, हम होटलों पर बैठकर टप्पे छप्पे मार रहे हैं, आजानें हो रही हैं हमारे कानों तक वो आवाजें पहुंच रही हैं फिर भी हम लोग अल्लाह के घर की दावत को आते हैं। जब हम अपना कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पहचान वाला घर पर आकर एक मरतबा इन्विटेशन दे दे, वेटिंग कार्ड दे दे या इन्विटेशन दे दे, अब हम उस दिन का इंतजार करते रहते हैं। दो तीन मरतबा को याद कर लेते हैं कि भाई उन्होंने बुलाया था जा, उन्होंने बुलाया था जा। अब जब हम दुनिया में इतना खो चुके हैं कि खाने की दावत हमें याद रही, शादी की दावत हमें याद रही, अकीदे की दावत हमें याद रहे, दीगर खाने की दावत है वो दुनिया की दावत हमें याद रही कि एक मरतबा दावत दी गई तो उस वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं। अरे अल्लाह की बात से पांचों वक्त दावत याद रही है, अल्लाह के वजह से सदाएं बरम हो रही है, हैया अला सलाह ही आदत बना, आओ नमाज की तरफ। कामयाबी चाहते हो, परेशान हो, बेरोजगार हो, बेबाक हो, बेयारो मददगार हो, तो आओ अल्लाह की तरफ कामयाबी चाहते हो। दुनिया की दावत तो हमें याद रही लेकिन अल्लाह के घर की दावत हमें याद नहीं रही, जबकि दुनिया का रिश्ता खत्म होने वाला है लेकिन हर एक को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना। तो ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी में अपनी आखिरत की हमें तैयारी करनी है। अल्लाह ताला की बात में दुआ में मौला करी जो कुछ कहा गया